यार यूं तो इंदौर में कई सारी चाट की दुकानें आपको मिल जाएगी, और इंदौर में एक चीज़ आजकल ये होती जा रही है कि एरिया वाइज बहुत सारे चाट वाले फेमस होते जा रहे हैं। तो आज हम ऐसे एक एरिया को लेके, एक चाट वाले भैया को लेके आए हैं। तो अभी हमें इंदौर के सुखलिया एरिया में एक्सिस बैंक के पास में, और यहाँ पर है भैया बाणेश्वरी चाट सेंटर। यहाँ पे उमेश भैया के जो पानी पताशा ना, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। जल्दी से चलते उमेश भैया से मिलाते हैं, एड्रेस बताते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा, उमेश भैया की जो स्पेशलिटी है ना, वो स्पेशलिटी ये है कि उमेश भैया स्पेशली गरम गरम जो अपना रहता है मसाला रहता है, वो गरम मसाले के अंदर पानी पूरी देते हैं, और दही पूरी भी उमेश भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पर उमेश भैया के यहाँ मिक्कू मेरे को लेके आया है, इसका एड्रेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये है मेन सुखलिया का जो रोड है, एक्सिस बैंक के जस्ट पास में उमेश भैया लगाते हैं। उमेश भैया कितने बजे से लगाना चालू कर देते हो? शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक, शाम को 10 बजे तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आपको बहुत ही बढ़िया सी भूख लगती है ना, पानी पूरी की, दही पूरी की, छोले टिकिया की, हॉट डॉग की, तो यहाँ पर आप खा सकते हो। अपन चीज़ें लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं कैसा है। और आज भी बारिश आ रही है, अरे क्या कर सकते हैं। तो उमेश भैया कितना टाइम हो गया अपनी दुकान को? ये अपने 2012 से लग रही है यहाँ पे। 2012 मतलब 10 साल होने वाले? 10 साल हो गए की हो चुके 10 साल होने वाले हैं, होने वाले हैं 10 साल। हाँ जी। तो अपना सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है? अपने सबसे स्पेशल है छोले टिकिया है, हॉट डॉग है, बेल है, दही पूरी है, पानी पूरी है। तो आपने ये कैसे सोचा कि जो पानी पूरी है वो गरम में खिलाना चाहिए? हाँ जी, हमारे यहाँ क्या 100 में से 90 लोग गरम ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है यार, आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम गरम में बढ़िया तरीके से भैया यहाँ पे पानी पूरी खिला रहे हैं। हाँ हाँ, ये गया मसाला, ये गया पानी। उमेश भैया सबसे ज़्यादा क्या चलता है अपने यहाँ पे? सबसे ज़्यादा अपने चलता है पानी पूरी और छोले टिकिया, हॉट डॉग, तीनों आइटम। यहाँ का हॉट डॉग, यहाँ का हॉट डॉग मेको बोल रहा था थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग है, मतलब बिल्कुल टेस्ट करके बिल्कुल देखेंगे। और एक प्रो टिप, मेरे स्कूल और कोचिंग की छुट्टी होती तो मैं यहीं आता था। ओहो क्या बात है, तो जल्दी से मेको एक बार पानी पूरी टेस्ट कर लूँ। ओके। तो यहाँ की जितनी मैंने पानी पूरी की तारीफ सुनी है, हॉट डॉग की तारीफ सुनी है, जल्दी से सबसे पहले पानी पूरी टेस्ट कर दो भैया। थोड़े से प्याज, ये हर बार मैं करता हूँ, अगर आप लोग करते हो तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके ऊपर बढ़िया सा काला नमक आ चुका है। वाह यार, जल्दी से टेस्ट करते हैं। क्या भैया उमेश भैया कितने देते हो? 10 के? 10 रुपये के 5 पीस। 10 के 5 पीस मिलते हैं यहाँ पर। जल्दी से टेस्ट करते हैं अपन गरम गरम पानी पूरी। आप देख सकते हो ये बढ़िया सा अपना प्याज इसके अंदर गया, और ये जेन्युइन रिव्यू टेस्ट का। को यहाँ की पानी पूरी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली जो चीज़ अच्छी लगी ना, वो था मसाला। भैया ने जो गरम गरम मसाला दिया ना, उसके अंदर सेव भी डाली हुई थी, प्याज भी पहले से डाला हुआ था, और एकदम गरम गरम था, एकदम अच्छा था, ज़्यादा गरम भी नहीं था। कि कभी कभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा गरम लगता है और एकदम गले में भी लगता है। पानी, पानी की बात करें तो पानी है झरनाट वाला, एकदम चटपटा वाला पानी है। अगर आ रहे हो यहाँ पर तो पानी पूरी खा सकते हो। ये मेरा जो है ये वाला तो गल चुका है, मैं दूसरा जरूर खाऊंगा। बाकी यार बहुत बढ़िया टेस्ट है, अगर आ रहे हो तो एक बार पानी पूरी खाना बनती है। 10 रुपये में तो पानी पूरी आप कहीं भी खा सकते हो यार। अब यहाँ पे दही पूरी, हॉट डॉग और छोले टिकिया भी खाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी, ये हमारी पानी पूरी की शॉप तो है ही, इसके साथ साथ हमने एक नई दुकान की शॉप खोली है सामने, मंचूरियन नूडल्स, पाव भाजी, सैंडविच, सभी आइटम, चाइनीज सभी आइटम मिल जाएगा आपको वहाँ पे। वाह यार, तो अगर आपको पानी पतासे के अलावा कुछ खाना है तो भैया उमेश भैया ने आपको ये सारी वैरायटी भी दे दी है चाइनीज मोमोज की। तो आओगे तो श्रीनाथ मोमोज एंड चाइनीज को जरूर आके टेस्ट करना और बताना कैसा लगा। तो ये जो लग रहा है ये अपना लग रहा है बहुत ही बढ़िया सा हॉट डॉग। हॉट डॉग में क्या स्पेशल है भैया अपने यहाँ सर? अपने वहाँ चीज हॉट डॉग है, चीज प्लस बटर हॉट डॉग है। अभी कौन सा वाला बना रहे हो आप? अभी एकदम बटर वाला बना रहे, बटर प्लस चीज बना, बटर प्लस चीज बना दो। क्या बात है यार, मेरे को बटर प्लस चीज हॉट डॉग बनना है यार। इतने साल में ये चीज मेरे को पहली बार पता चली कि यहाँ पे बटर प्लस चीज भी मिलता है यार। क्या बात है यार, बढ़िया। इतने जो मसाले हैं वो डल रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ना वो पुदीना मसाला भी मिलता है। हाँ, पुदीना मसाला मिलता है यहाँ पर। ये आ गई बढ़िया सी आलू टिक्की। इसमें इसकी क्या प्राइस है, चीज वाले की, चीज बटर वाले की? 35 रुपीज़ में आपको बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे जो हॉट डॉग है वो भी बन रहा है, उसमें एक टिक्की भी आ चुकी है। तो बटर इसके अंदर जाएगा। ये आ गया बढ़िया सा अमूल बटर की टिक्की आ गई है। ये आ गया बढ़िया सा बन। क्या बात है यार, वो हार्दिक बड़ा अच्छा टेम्पटिंग सा रहा है वो ये। ओह, इनका चिकू भी, इनका हॉट डॉग बनाने का तरीका एकदम अलग है। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार ये, अच्छे तरीके से इसके अंदर सॉस भी आ गया है। अब चीज़ आएगा बहुत सारा, ढेर सारा चीज़ आएगा इसके अंदर। क्या बात है,
ये ग्रीन चटनी आ गई भैया, अब अपनी बढ़िया सी रेड चटनी। उमेश भैया के यहाँ की रेड चटनी बड़ी अच्छी है यार, मेरे को अच्छी लगती है। अरे हाय, चकाचक दही आ गया है। चिकवे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकदम बाल बारीक सेव। ये आ गया प्याज और ये बन गया भैया बढ़िया सा हॉट डॉग अपना। अब इसको प्लेट में रख के सर्व करेंगे। क्या बात है यार, इसके बढ़िया तरीके से दो पीस भी कर दिए भैया। तो ये बहुत ही बढ़िया सा हॉट डॉग जैसा, ऐसा हॉट डॉग शायद आपने कभी देखा नहीं होगा पहले। ये उमेश भैया बहुत स्पेशल बनाते हैं यहाँ पे, मात्र 35 रुपए का है बटर और चीज़ के साथ। इसमें प्याज और सेव की क्वांटिटी जो है भर भर के डाली गई, आलू की टिक्की है। जल्दी से टेस्ट करता हूँ बिना देर करे। चम्मच मेरे हिसाब से एक बार चम्मच से खा के देखो। वही चिकू भैया, मेरे को भी बाद में लगा कि क्या बात है, एकदम गरम गरम हॉट डॉग है। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अच्छा मिक्को टेस्ट कर रहा है, तब तक एक बार मैं आपको क्राउड बताता हूँ। यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है तो भी यहाँ पर सब बढ़िया सा पानी पूरी, हॉट डॉग, छोले टिक्किया, सारी चीज़ें खाने आए हैं। कैसा लगा मिक्को? शुक्रिया, मुझे सबसे ज़्यादा एक बटर के लिए कमेंट करा था। हाँ, वो टेस्ट बहुत इन्हेंस करता है। क्या बात है यार, अमूल बटर का जो टेस्ट ना वो इसमें भर भर के आ रहा है। जो इनका जो मसाला इन्हें बनाया था ना, बड़ा स्पाइसी है। मतलब अगर आपको थोड़ा पसंद है चरखा तो आप खाना, आपको मज़ा आएगा। गर्म है तो और चरखा लग रहा है। ओवरऑल अगर ये 35 रुपये का हॉट डॉग अगर आप खाने की सोचो ना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ऐसा हॉट डॉग आपको और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है और ना सारी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आके खाना बनता है। तो अब ये बनने जा रही है अपनी बढ़िया सी भेल। उमेश भैया यहाँ पे बनाते हो भैया, भेल में क्या क्या डालते हो? भेल में परमल डालते हैं अपन, चरखी वाली नुक्ती डालते हैं। परमल आ गई, नुक्ती आ गई, आलू का मसाला भी डालते हो क्या? हाँ जी, गरम छोले भी डालते हैं। वाह यार, टिक्की वाली नमकीन डालते हैं। बाल बारीक सेव आ गई, आलू का मसाला आ गया बढ़िया सा, आया है गर्मा गर्म सा। रेड वाली मीठी चटनी, रेड वाली मीठी चटनी, ग्रीन वाली तीखी चटनी, ग्रीन वाली चटनी। वाह यार, दही भी डालते हैं अपन। ये आ गया बढ़िया सा धनिया। प्याज डालते हो क्या? वाह यार, ये जरूरी, प्याज के बिना भेल अधूरी। और ये 3-4-5 प्रकार से वो आया। कौन कौन से मसाले मुझे भैया? ये रेड चिली है, रेड चिली, ये खड़ा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला। वाह यार, ये जीरावन, जीरावन पाउडर, ये अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर। ये कितने की भेल? ये 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ की भेल है बढ़िया सी। तो उमेश भैया, जब से दुकान है तब से भेल भी दे रहे हो कि भेल बाद में चालू करी? भेल शुरू से, जब से दुकान डाली जब से भेल भी दे रहे हो। अच्छा, अरे वाह, हाय 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 चिवे, भेल का पहाड़ जैसा नहीं हो गया ये भेल? एकदम है ना, थोड़ी डिफरेंट टाइप की भेल हो चुकी है। इसको टेस्ट करने में मजा जरूर आएगा। तो ये है हमारा आखिरी आइटम, जाते हैं दही पूरी जरूर खाएंगे, वो चीज़ नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। दही पूरी यहाँ की खाई हुई है, बहुत अच्छी है। ये है भेल, 20 रुपए की है, 20 रुपए के हिसाब से क्वांटिटी लाजवाब है। जल्दी से टेस्ट करके देखते कैसी है। मेरे को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं, इंदौर की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जगह जो कि है उमेश भैया वाली जो पानीपुरी है, वो लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको गूगल मैप्स की लिंक भी मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया सी भेल है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत अच्छी लग रही। और पता है अच्छा क्या लग रहा है इस भेल के अंदर? अच्छा ये लग रहा है कि भैया ने ऊपर से जो मसाला डाला है पानीपुरी वाला मसाला, हाँ, वो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगर आप चाहो तो नहीं मना भी कर दो तो भैया नहीं भी डालेंगे। इस वीडियो में इतने रखते, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सब्सक्राइब करना और यहाँ आना ना भूलें। धन्यवाद। ओके। अच्छा मिक्कू, मेरे को एक चीज़ और पता चली यहाँ पर, जो चीज़ तुम पहले से खाते रहते हो, हाँ हाँ, यहाँ पर जो गरम गरम यहाँ पर है ना, ये जो अपना बना था हॉट डॉग का मसाला, जो मसाला बना था उसके अंदर भी एक बढ़िया सी पपड़ी मिली है। अच्छा, तो अगर आप लोगों को खाना है तो उमेश भैया को बोलना, उमेश भैया आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हो गया।